यहाँ पे फोर्स मौजूद है लगातार। दूसरे दिन दो बिल्डिंग का डिमोलिशन कल हुआ था, पंक्चर गया था, और आज ये वाली बिल्डिंग पूरी की पूरी ये बिल्डिंग बनी हुई है, तैयार है, और आज यहाँ पे भी ऐलान किया गया है कि हम इसको भी तोड़ेंगे। कल भी तोड़कर अंदर किया था, आज भी तोड़ा जाएगा। अपने आप खोल दीजिए, अपना तो खाली कर दीजिए। जो जामिया नगर के SHO हैं नरपाल सिंह यादव, वो कंटिन्यू ये ऐलान कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग अपने घरों को खाली कर दीजिए, इस पे कार्रवाई होगी। कोर्ट का टाइम तो दे, ये लोग फ्राइडे को ही नोटिस लगाते हैं E7 का, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और उसके बाद जब हम मंडे जाते हैं कोर्ट में तो मंडे भी छुट्टी निकलती है, वहाँ पे बैच नहीं बैठ रही है। ये टाइम ही इस तरीके से लगाते हैं कि भाई हम इनको मौका ही ना दे पावे कहीं जा पावे। तोड़ने के ऑर्डर भी है आपके दरवाजे जो सब लोग लगा दिए, नहीं बचे गए। दोस्तों आज मैं लगातार दूसरे दिन मुरादी रोड पे हूँ, यहाँ पे फोर्स आ चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है, और अभी अभी हमारे सामने जामिया नगर SHO नरपाल सिंह यादव है, उन्होंने बाजाबता ऐलान किया है कल हमने जिस बिल्डिंग को डिमोलिश किया है अगर उसमें आज ताला लग गया है तो भी हम उसको आज दोबारा डिमोलिश करेंगे, चूँकि हमारे पास इसका ऑर्डर है। ये वाली बिल्डिंग आप लोगों को मालूम है कल बच गई थी, तो यहाँ उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है कि जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, ये देखिए पूरी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उन्होंने अभी ऐलान किया है कि जो लोग भी इस बिल्डिंग में रहते हैं वो इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। उन्होंने ऐलान किया अभी कि हमारे पास ये ऑर्डर है कि हम इस बिल्डिंग का गेट भी तोड़ दें। कल बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने गेट क्यों तोड़ दिया, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के ऑर्डर पे हो रही है, इसमें पुलिस का अपना कोई रोल नहीं है। पुलिस का एक ही काम होता है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करवाए। फोर्स यहाँ पर इसलिए है, पुलिस यहाँ पर इसलिए है कि जो ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है तो MCD के जो स्टाफ कार्रवाई करने के लिए आए तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो इनको हेल्प करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए यहाँ पे पुलिस आई हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से कुछ नहीं करती इस मामले में, जो ऑर्डर मिला हुआ है कोर्ट का उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस यहाँ पे आती है। ये घर वालों की शिकायत हो सकती है कि उनका गलत गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, लेकिन शिकायत किसने की ये अलग बात है, शिकायत क्यों हुई ये अलग बात है। कुल मिलाकर यहाँ पे फोर्स मौजूद है लगातार दूसरे दिन, दो बिल्डिंग का डिमोलिशन कल हुआ था, पंक्चर गया था, और आज ये वाली बिल्डिंग पूरी की पूरी ये बिल्डिंग बनी हुई है, तैयार है, और आज यहाँ पे भी ऐलान किया गया है कि हम इसको भी तोड़ेंगे। देखना ये है कि जैसे जैसे दिन आता है ये बिल्डिंग टूटती है, नहीं टूटती क्या होता है। फिलहाल जो टीम है वो तोड़ने के लिए पूरी तरह से आ चुकी है, पुलिस भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। अफसोस की बात यह है अगर ये बिल्डिंग टूट गई, वजह इसकी जो भी हो, ये इलीगल हो नहीं हो, किसी की शिकायत से टूटी हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अच्छी खासी बिल्डिंग बनी बनाई टूट जाएगी। कि आज भी डिमोलिश करने के लिए लोग आए हुए हैं, ये वाली बिल्डिंग जिसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि नोटिस लगी हुई है यहाँ पे, आज भी इस बिल्डिंग में, ये वाली बिल्डिंग में डिमोलिश करना चाहते हैं, ये पंक्चर करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग ऐसी है जो कल भी इसमें कामयाबी नहीं मिली थी डिमोलिशन करने में, लोग इसमें हैं सब के सब। किसी ने मुझे बताया है कि 22 फैमिली इसमें रहती है, ये ऑलरेडी बना हुआ घर है, बहुत पहले है, लोग कहते हैं कि उनको पहले भी नोटिस मिली है। जिनका ये मकान है उनमें से किसी से मेरी बात अब तक नहीं हुई है, लेकिन नोटिस इसमें मैंने कल भी आपको दिखाया था, नोटिस इसमें लगी हुई है। देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ, नोटिस यहाँ इसमें अभी भी लगी हुई है, ये वाली वो नोटिस है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये नोटिस है। ले अच्छी बात यह है कि जो मकान में लोग हैं उन्होंने खाली अब तक नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है सर मुझे प्लीज ये बताइए, एड्रेस हमारा 491 है जी, E7 का बोर्ड लगा के बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। तो सर ये क्यों टूट रहा है घर? सर बस कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर किसी को दिखाने को तैयार नहीं। आपने जिनसे खरीदा घर वो सामने नहीं आते? सर सामने है सब कुछ, हमारे पास पक्की। जिनसे आपने घर खरीदा वो कहाँ है जी? जिनसे आपने फ्लैट खरीदा वो सर वो नहीं है, वो तो सब निकल के बेच रहे, वो चले गए। और आपको लगता है एड्रेस भी दूसरा है? तो सर वो कौन सा एड्रेस है? इनके पास जो है वो एड्रेस दूसरा है, हमें क्या पता दूसरा एड्रेस कौन सा है? तो ये वाला क्यों तोड़ देंगे वो जब एड्रेस ही नहीं है? तो पता नहीं क्या मतलब, कोई बात नहीं है। तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते आप लोग? आपकी कोई टीम नहीं है? कोर्ट का टाइम तो दे, ये लोग फ्राइडे को ही नोटिस लगाते हैं E7 का, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और उसके बाद जब हम मंडे जाते हैं कोर्ट में तो मंडे भी छुट्टी निकलती है, वहाँ पे बैच नहीं बैठ रही है। ये टाइम ही इस तरीके से लगाते हैं कि भाई हम इनको मौका ही ना दे पावे कहीं जा पावे। तो सर आप लोग क्या है अब तक आप लोगों ने तय किया? सर आप लोगों ने तय किया हुआ है कि हम ये खाली नहीं करेंगे, तय किया ना आप लोगों? कैसे खाली करें जब हमारा यही मतलब जी यही तय किया। एड्रेस तो हमारा पक्का कन्फर्म करें कि भाई तुम्हारा E7 है, ये तो हमारे पेपर फर्जी है। ये भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है जी, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी हमारे पास? ये बिल्डिंग किसने बनाई थी? ये बिल्डर बना के चले गए। किससे खरीदा था आप?
सर वो तो चले गए यहाँ से। नहीं, कौन थे वो साहब, कौन नाम क्या था उनका, उनसे पूछा नहीं आपने कि गलत है सही है? सर उन लोगों ने सही बताया। दूसरा दिन है जो देखे, मैं आपको बताऊँ, दो बिल्डिंग पहले डिमोलिश हो चुकी है, पहले हो चुकी है, ये वाली खाली नहीं हुई थी। खाली करने के लिए आज फोर्स फिर आई है, पहले कोशिश की जाएगी ये खाली। देखिए SHO मौजूद है जामिया नगर के, वो यहाँ अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसको खाली कर दीजिए, इसको पंक्चर करना या डिमोलिश करना। पूरी टीम यहाँ पे आए हुए, देखिए पूरी टीम ये खाली कर दीजिए। दरवाजे तोड़ने की ऑर्डर भी है MDDA के पास, आपके दरवाजे जो सब लोग लगा दिए ये नहीं बचेगा। कल भी तोड़ कर अंदर किया था, आज भी तोड़ा जाएगा। अपने आप खोल दीजिए, अपने आप खोल के उसको खाली कर दीजिए। भाई बंजीरो बंद के ऊपर फिर दोबारा गेट पर लोग लगा दिया। कल भी जो है DDA ने इसको गेट को तोड़ के एंट्री किया था, तो दोबारा इस लॉक तोड़ने की नौबत नहीं आई। इसलिए आई बंजीरो वन में अगर अंदर कोई है तो उसका लॉक को गेट को खोल दे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत क्लियर जो SHO यहाँ पे ऐलान कर दिया है, वो ये किया है कि हमने कल यहाँ पे जिस घर को डिमोलिश किया था उसको दोबारा किया जाएगा। अगर किसी ने उस पर गेट लगा भी लिया है तो वो गेट खोल ले, मैं एक बता दूँ आपको। दूसरे, इस वाले पे कार्रवाई कल नहीं हो सकी थी, इस वाली बिल्डिंग पे कार्रवाई कल नहीं हो सकी थी, और आज फिर पूरी टीम आई हुई है। जो जामिया नगर के SHO हैं नरपाल सिंह यादव, वो कंटिन्यू ये ऐलान कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपने घरों को खाली कर दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी। जो बता रहे हैं वो उनके पास जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वो गेट को भी तोड़ देंगे। जी हाँ, अभी अभी उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है। एक बिल्डिंग कल डिमोलिश हुई थी, बल्कि दो बिल्डिंग डिमोलिश हुई थी, ये वाली बच गई थी पूरी कंटिन्यू बिल्डिंग। और आज SHO मौजूद है नरपाल सिंह यादव, वो ऐलान कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि प्लीज़ इस बिल्डिंग को आप खाली कर दीजिए, ये वाली बिल्डिंग भी आज डिमोलिश होगी।